फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूं, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप भी LIC का NEFT यानी कि NEFT फॉर्म भरना सीखना चाहते हैं तो आप कैसे उसको भर सकते हैं, और इसके अलावा ये फॉर्म क्या होता है और इसको भरने की ज़रूरत क्यों आखिर आपको पड़ती है। तो फ्रेंड्स, और किन किन यानी कि किन किन सिचुएशंस में आपको ये फॉर्म भरना होता है, तो फ्रेंड्स ये बातें हम आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको आज की वीडियो में लाइव डेमो भी देने वाली हूँ जिसमें मैं आपको LIC का NEFT फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी ताकि के आपको वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो में आपको फॉर्म भरना सिखाने वाली हूँ तो मैं पेंसिल यूज़ करूँगी ताकि हमारा फॉर्म वेस्ट ना हो और आगे भी वो काम आ जाए। तो फ्रेंड्स, यही बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एंड में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो के स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि NEFT यानी कि NEFT फॉर्म क्या होता है, तो फ्रेंड्स NEFT फॉर्म की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, वो ज़रूरत हमें तब पड़ती है कि अगर आप अपनी पॉलिसी पे लोन लेना चाहते हैं या फिर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहते हैं या फिर आपकी पॉलिसी पे मैच्योरिटी आई हुई है। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका पैसा अकाउंट में आना होता है उस अकाउंट की डिटेल्स जो हम फिल करते हैं जिस फॉर्म में, उसको ही NEFT फॉर्म कहते हैं। यानी कि उस फॉर्म में आपको अपनी बैंक से जुड़ी हुई सारी जानकारी देनी होती है और वो डिटेल्स भरने के बाद आपका जो वो फॉर्म है वो आपकी ब्रांच में सबमिट हो जाता है और उसी फॉर्म की डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए आपके अकाउंट में पैसे जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि किन किन केसेस में हमें इसकी ज़रूरत होती है, तो फ्रेंड्स अगर आपकी पॉलिसी में मैच्योरिटी आती है तब आपको NEFT फॉर्म की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें आपको अपनी अकाउंट की डिटेल्स देनी होती है। इसके अलावा अगर आप अपनी पॉलिसी को क्लोज करवाने जा रहे हैं, पॉलिसी को सरेंडर करवाने जा रहे हैं, तब भी आपको NEFT फॉर्म की ज़रूरत होती है क्योंकि तब भी आपके जो पैसे होते हैं बैंक अकाउंट में आते हैं तो उसमें आपको डिटेल्स फिल करनी होती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पॉलिसी पे लोन लेते हैं या फिर पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं या फिर आपकी पॉलिसी पे मैच्योरिटी आई होती है तो इन केसेस में आपको NEFT फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, NEFT फॉर्म में हमें क्या करना होता है, NEFT फॉर्म में हमें अपनी बैंक की डिटेल्स फिल करनी होती है जिन डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पैसे होते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म होता है हमारा NEFT का फॉर्म, इसमें आप 6 पॉलिसीज़, अगर आपकी 6 पॉलिसी हैं और आप उन पॉलिसी पे लोन लेना चाहते हैं यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 पॉलिसी की डिटेल्स एक फॉर्म में फिल कर सकते हैं। यानी कि उन 6 पॉलिसीज़ पे अगर आपको लोन चाहिए, अगर आप पॉलिसी पे कुछ भी करवाना चाहते हैं, पॉलिसी की मैच्योरिटी आई हुई है, तो वही एक फॉर्म आपका काम आ जाएगा 6 पॉलिसी के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको ब्लू पेन से ही फॉर्म को फिल करना है और इसके अलावा एक ही अल्फ़ाबेट यानी कि या तो आप कैपिटल में उसको लिख सकते हैं या फिर स्मॉल में लिख सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, फॉर्म भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो आपकी पॉलिसी जो भी आपको वर्क करवाना है उसको होने में डिले हो सकता है और आपके जो पैसे हैं वो अकाउंट में आने में टाइम लग सकता है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें काफ़ी ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको लाइव डेमो देती हूँ, वीडियो में बताती हूँ कि आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये हमारा NEFT का फॉर्म है जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस वीडियो में पेंसिल का यूज़ करने वाली हूँ ताकि हमारा जो फॉर्म है वो वेस्ट ना हो और आगे भी काम आ जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT की फुल फॉर्म है ये। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी आपकी ब्रांच है वो आपको लिख देना है। ब्रांच क्या है वो आपके बॉन्ड पर लिखा हुआ होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 116। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पॉलिसी नंबर लिखना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी पॉलिसी होती है वो 9 डिजिट की होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी पॉलिसी लिख देती हूँ एग्जांपल के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 पॉलिसीज़ के अगर आपको कुछ भी काम करवाना है 6 पॉलिसी से रिलेटेड, तो आप एक ही फॉर्म में काम हो सकता है आपका।
इसके बाद फ्रेंड्स जो यहाँ पे आप नेक्स्ट देख पा रहे होंगे कि नेम ऑफ पॉलिसी होल्डर, यानी कि जो भी आपका नाम है आपके उसमें आपके बैंक में जो आपका नाम है पॉलिसी है वो आपको लिखना है। तो मैं मान के चलती हूँ ये किसी कमल की पॉलिसी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कमल। नेक्स्ट है यहाँ पे बैंक नेम, यानी कि बैंक का क्या नाम है, तो मैं मान के चलती हूँ हमारे केस में बैंक का नाम है यस बैंक, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी यस बैंक, यस बैंक लिमिटेड जो भी होगा वो आपको पूरा लिखना है। उसके बाद जो भी आपका बैंक ब्रांच एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देती हूँ, लक्ष्मी नगर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे अकाउंट टाइप, यानी आपका अकाउंट कौन सा है, सेविंग करंट कैश क्रेडिट NRI। तो मोस्टली लोगों का सेविंग ही होता है तो हम सेविंग पे टिक कर देंगे, यहाँ पे सेविंग लिख देंगे। अगर आपका करंट है तो आप यहाँ पे करंट पे टिक करके यहाँ पे करंट लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है अकाउंट नंबर, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल करना है। मैं कोई भी अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर दूंगी एग्जाम्पल के लिए। इसके बाद यहाँ पे होता है IFSC कोड। फ्रेंड्स ये आपकी जो आपकी पासबुक होती है या फिर चेकबुक होती है दोनों पे ही आपको प्रिंट मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स IFSC इसी टाइप से होता है YESV002917। इट मीन कि इसी टाइप से आपका IFSC कोड होता है वो आपको आपकी पासबुक या फिर आपकी चेकबुक पे मिल जाएगा। उसके बाद जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देनी है, अगर आपकी है तो आप यहाँ पे अपनी मेल आईडी दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि यानी कि आप क्या दे रहे हैं, आपको कैंसिल चेक दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कैंसिल चेक दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें आपके डॉक्यूमेंट भी लगते हैं जिसमें कि आपका कैंसिल चेक होता है। अगर आप कैंसिल चेक दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस कर देना, अगर आप नहीं दे रहे तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है और सिंपली यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। जिस दिन आप अपना इसको आप जमा करवाएंगे तो वो यहाँ की आपकी डेट आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये होता है सिंपली सा आपको भरना होता है, कुछ भी इसमें टफ नहीं होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और एक कमेंट करके हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। इसी के साथ साथ अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।